हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। क्या आपको पता है वो कौन सा देश है जहां पर होती है पैसों की बारिश? आज हम आपको जिस देश के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, उस देश में बर्गर खाना महंगा है और पेट्रोल सस्ता, क्योंकि ये है दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोल रिजर्व सेंटर। इस देश की एयरलाइन सर्विस है दुनिया की सबसे बेस्ट एयरलाइन सर्विस, और साथ ही ये है दुनिया का सबसे सेफ देश, और इसलिए इस देश में कोई मिलिट्री या आर्मी फोर्स है ही नहीं। एक ऐसा देश जहाँ की रेगिस्तान सागर से मिलती है साहब। ये देश अरब का पहला देश बनने जा रहा है जो फीफा वर्ल्ड कप का मेजबानी करेगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अरब के शानदार देश कतर की, तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं कतर की एक शानदार सफर पर। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कतर देश की ऑफिशियल नाम है द स्टेट ऑफ कतर। देश की कुल जनसंख्या है 30 लाख के आसपास। देश की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो तो आपको यहाँ पर कुल मिलाकर 248 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर नजर आ जाएंगे। यहाँ पर तकरीबन 96% लोग शहर में रहते हैं, तो 4% लोग गांव में। एक बात आपको काफी हैरान कर सकती है कि कतर की आबादी में सिर्फ 10% लोग ही कतर के मूल निवासी हैं, जबकि लगभग 88% आबादी बाहर देश से आकर यहाँ काम करती है। कतर में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है, कुल आबादी का 28% तो हिंदुस्तानी ही है। हमारे देश की तरह ही कतर भी एक समय ब्रिटिशों का गुलाम हुआ करता था। कतर हमेशा से इतना अमीर नहीं रहा। 50 साल पहले तक यहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले दिखाई देते थे और यहाँ मोती पैदा करने का काम किया जाता था, लेकिन समय एक जैसा कभी नहीं रहता। 1950 के दौर में यहाँ तेल और प्राकृतिक गैस के भंडारों का पता चला। इसके बाद तो मानो कतर की किस्मत ही बदल गई। 55 साल की लंबी ब्रिटेन की गुलामी के बाद सन 1971 में ये देश आजाद हुआ, और देखते ही देखते उसने तरक्की की राह में आसमान को छू लिया और सबसे कम वक्त में सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल करते हुए विश्व में अपनी एक नई पहचान बनाई। अब्दुल्ला बिन जसीम बिन मोहम्मद अल थानी कतर के संस्थापक थे, और उसने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बेचकर बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली। कतर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। ये भी एक कारण है कि यहाँ पर इतना पैसा कहाँ से आता है। बाकी पेट्रोल ने तो कमाल कर ही रखा है। इस देश से दुनिया के तमाम देशों में पेट्रोल को एक्सपोर्ट किया जाता है और इससे मोटा पैसा कमाया जाता है। तेल के अलावा कतर का पैसा समुद्र में फिशिंग से भी आता है। अब भाई पैसों की बात चल रही है तो बता दें कि इस देश में पेट्रोल बर्गर से भी कम भाव में बिकता है। जी हाँ, कतर में मैकडॉनल्ड के एक बर्गर से सस्ता मिलता है पेट्रोल। जहाँ यहाँ पर मैकडॉनल्ड के एक बर्गर की कीमत करीब 300 रुपए बताई जाती है, वहीं ये 1 लीटर पेट्रोल की कीमत महज 35 रुपए है। कतर का राजधानी दोहा देश का राजधानी होने के साथ साथ इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। ये शहर देश के ईस्ट कोस्ट पर बसा हुआ है, जिसमें लगभग 13.5 लाख लोग निवास करते हैं, यानी कि देश की कुल आबादी का करीब 60%। दोस्तों, अगर आप कतर घूमने जा रहे हैं तो आपको दोहा डेजर्ट का रोमांच कर मजा जरूर लेना चाहिए। इस रेगिस्तान के नजारों की सुंदरता आपका मन मोह लेगी। इसमें आपको गाड़ी से डेजर्ट सफारी के लुफ्त उठाने का मौका मिलेगा, और साथ ही ऊंट की सवारी आपकी यात्रा को यादगार बनाएगी। कतर का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट्स में गिना जाता है। यहाँ का एयरपोर्ट देखने के बाद आपको लगेगा कि ये तो जन्नत है, ये इतना शानदार है कि आपको अपना दीवाना बना लेगा। ये एयरपोर्ट कतर की राजधानी दोहा में स्थित है। इस एयरपोर्ट का रनवे बहुत बड़ा है और यहाँ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है यात्रियों के लिए। इस एयरपोर्ट के डिपार्चर हॉल में रखा है 23 फुट लंबा टेडी बियर, इसको बाकी एयरपोर्ट से ज्यादा आकर्षित बनाता है। चलिए एयरपोर्ट की बात करते हैं यहाँ की एयरलाइंस की। कतर एयरलाइंस दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइंस है। एक सर्वे के मुताबिक सिंगापुर एयरलाइंस को भी कतर एयरलाइंस ने कस्टमर सेटिस्फेक्शन में पीछे छोड़ा है। हालांकि ये एयरलाइंस थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन यहाँ जो सर्विस दी जाती है उससे तो पैसा वसूल हो जाता है। कतर में आपको हर जगह ही एक से बढ़कर एक स्पोर्ट्स कार दिख जाएंगी। यहाँ के लोगों का शौक है इस तरह के महंगे महंगे कार में घूमने का।
का। यहाँ पर 18 से 20 साल होते होते बच्चे स्पोर्ट्स कार चलाने लगते हैं। पैसों की कोई कमी तो है ही नहीं। यहाँ के पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कार गिफ्ट कर देते हैं। सुबह सुबह आपको यहाँ के रास्ते पर सिर्फ महंगी महंगी स्पोर्ट्स कार चलती हुई दिखाई देंगी। तो दोस्तों, ये तो हम पहले ही बता दिए हैं कि कतर की पॉपुलेशन है सिर्फ 30 लाख, जो दुनिया के तमाम देशों के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन क्या आपने इससे पहले सोचा था कि इतना छोटा देश दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल इवेंट यानी कि फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट कर सकता है? आप तो जानते ही होंगे कि इस टूर्नामेंट में दुनिया के टॉप 32 देश हिस्सा लेते हैं। इस वर्ल्ड कप में करोड़ों फैंस आते हैं। उनके लिए रहने की व्यवस्था करना, खाने का इंतजाम करना, ये बड़े बड़े देश भी करने से कतराते हैं। लेकिन कतर ने राजधानी दोहा में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2022 को होस्ट करने के लिए कई सारे वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बना दिए हैं। लेकिन इन तामझाम में एक सच्चाई ये भी है कि इस देश में काम करने वाले मजदूरों की हालत सबसे खराब है। एक सर्वे में पता चला कि हजारों की संख्या में नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश से लोग यहाँ स्टेडियम बनाने के काम के लिए आए थे। सब यही आस लगाकर आए थे कि ये बहुत ही अमीर देश है, तो यहाँ काम करने से इनकी स्थिति थोड़ी बेहतर होगी। लेकिन यहाँ आकर कहानी कुछ और ही निकली। आपको बता दें कि कतर के ऊपर ह्यूमन राइट कमीशन ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई मजदूरों को यहाँ पर कैदियों से भी बदतर स्थिति में रखा गया है। दोस्तों, कतर को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता है और इस देश में जुर्म का नामो निशान नहीं है। यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं वो भी पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। ये सबसे बड़ी वजह है कि कतर में टूरिज्म इतना ज्यादा आगे बढ़ा है। यहाँ के कानून ही इतने सख्त है कि कोई भी इनके खिलाफ जाने की सोच ही नहीं सकता, और जो सोचेगा वो जाएगा पूरी जिंदगी के लिए जेल। आप भी कतर जाने का प्लान बना रहे हैं तो बता दें, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। कतर एक बेहद पढ़ा लिखा देश है और यहाँ की लिटरेसी रेट है 97.3%। वहीं कतर के बारे में एक और अच्छी बात यह है कि इस देश में इनकम टैक्स नहीं लिया जाता और दूसरे टैक्स की मात्रा भी बहुत कम है। ये तेल से ही इतना कमाता है तो इनकम टैक्स की जरूरत क्या है। सिटीजन्स के लिए यहाँ बिजली, पानी और मेडिकल जैसी सारी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त है। और आप अगर कतर में किसी भी धर्म की निंदा करते हैं तो आपको 7 साल की सजा हो सकती है। कतर का कानून बहुत ही सख्त है। आपको बता दें कि कतर में अगर आप मुस्लिम हैं तो आप शराब बेच और पी नहीं सकते, लेकिन बाहर के लोगों के लिए अलाउड है। लेकिन इस देश के बाशिंदे और मुस्लिम लोगों के लिए इसे पाप माना जाता है। यहाँ पर कोई भी इस्लाम धर्म को मानने वाला आपको शराब बेचते हुए नहीं मिलेगा। बाहर से आए लोगों की वजह से कतर में लड़कियों के हिसाब से लड़कों की संख्या बहुत ज्यादा है। कुल आबादी में से सिर्फ 20% आबादी ही महिलाओं की है। आपको बता दें कि कतर भले ही एक पढ़ा लिखा और डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन यहाँ की महिलाओं को भी पूरी तरह से छूट नहीं है। वैसे लगभग हर अरब देशों की यही तो कहानी होती है। यहाँ की महिलाओं को भी यहाँ के नियम के अनुसार खुलकर छूट नहीं दी जाती। महिलाएं यहाँ परंपरागत कपड़े ही पहनती हैं। यहाँ महिलाओं को गाड़ी चलाने का अधिकार तो मिला है, पर ज्यादातर महिलाओं को हमेशा नकाब में ही रहना होता है। आज भी यहाँ की महिलाएं अकेले घर से बाहर नहीं आ सकती। अगर कहीं कुछ खरीदारी भी करने जाना है या कुछ भी काम है तो उनके साथ एक मर्द का होना जरूरी है। और तो और, कतर में घूमने के लिए आए हुए महिला पर्यटकों को शॉर्ट स्लीव ड्रेस पहनना या मिनी स्कर्ट पहनना बिल्कुल मना है। महिलाओं को लेकर यहाँ की सोच पुराने जमाने की ही है। अब तक भी कतर देश है तो छोटा सा, लेकिन ये बहुत ही शक्तिशाली है। यही वजह है कि इस देश में कम से कम 180 देशों के लोग काम कर रहे हैं। कई पद पर तो कई देशों के लोग यहाँ पर छोटे लेवल का काम भी कर रहे हैं। इस देश में सबसे ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम भारत के लोग ही करते हैं। सबसे ज्यादा इंजीनियर्स भी आपको अपने देश के ही मिलेंगे। कतर के करीब 30 लाख आबादी में से लगभग 7 लाख लोग तो हमारे देश की ही हैं। दोस्तों, कतर में खेती न के बराबर होती है, लेकिन आजकल यहाँ की सरकार इस टेक्नोलॉजी पर लगातार काम कर रही है। खेती न होने के कारण यहाँ पर वेज खाने की कीमत नॉन वेज खाने की ज्यादा। यहाँ पर आपको कुछ भी वेज में खाना है तो बहुत महंगा बिल आएगा। इस देश में सबसे ज्यादा ऊंट का मांस खाना ही लोग पसंद करते हैं। कतर का नेशनल डिश है माजबूज नामक एक स्वादिष्ट भोजन। ये व्यंजन स्थानीय और पर्यटकों को दोनों के बीच में बहुत ही पॉपुलर है। देश भर में कई रेस्टोरेंट्स माजबूज परोसते हैं। आप जब भी कतर जाओ तो इस शानदार पकवान को चखना जरूर। ये पकवान चावल, मांस, प्याज और टमाटर से मसालों के साथ बनाया जाता है। आप अगर एक बार इसे खाएंगे तो बार बार खाना चाहेंगे, ये हमारा वादा है।
दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन कैमल रेस भी आपको कतर देश में देखने को मिलेगा। यहाँ के AI शहानिया कैमल रेसिंग ट्रैक पर अक्टूबर से फरवरी महीने तक में खूब कैमल रेस होते हैं और इस रेस को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं। कतर में एक बहुत ही खूबसूरत द्वीप है जिसका नाम है दी पर्ल। इस द्वीप को कृत्रिम तरीके से बनाया गया है और ये दुनिया भर में बहुत मशहूर है। जैसा कि नाम से पता चल गया होगा कि इस द्वीप को पर्ल यानी कि मोती के आकार में बनाया गया है। इसमें बना 31 बड़े बड़े गगनचुंबी अपार्टमेंट्स इस द्वीप का खासियत है। जैसे ही आप इन बड़े बड़े बिल्डिंग्स के आसपास घूमेंगे तो आपको दिख जाएगा कई सारे शानदार और लग्जूरियस यॉट जो बिल्कुल अपार्टमेंट के सामने है। तो दोस्तों, ये था अरब का अनोखा देश कतर। कैसा लगा बताइए हमें कॉमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। अगर आप में से कोई है कतर से तो हमें बताना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।